Hello everyone. welcome to our channel Success Edutech. Today we are watching our uh, second history chapters. Next point, support for socialism. Everyone is knowing that our second chapter, socialism in Europe and Russian Revolution. And now I'm starting my session and by the 1870s, the socialist idea spread through Europe. the एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म द इंटरनेशनल बॉडी तो सोशलिज्म को क्या सपोर्ट हुआ यूरोप यह, में देखने वाले हैं अठारह सौ सत्तर के बाद कुछ आइडियाज नई कल्पनाएँ यूरोप में स्प्रेड हो रही थी सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी नेम लकेंड इंटरनेशनल तो एक नई बॉडी यानी एक नया स्तर विकसित हो रहा था सेकंड इंटरनेशनल नामक वर्कर्स इंग्लैंड एंड जर्मनी बेगन फॉर्मिंग टू फाइट द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस तो जो वर्कर थे इंग्लैंड में और जर्मनी में वो जो कैपिटलिस्ट so, uh, थे उनके विरुद्ध जाने वो खड़े रहे खड़े रह रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ बेटर लिविंग चाहिए थी और बेटर वर्किंग कंडीशन चाहिए थी सेट अप फंड्स एंड हेल्प्स मेंबर्स टू इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड्स टू रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स और उन्हें उनकी कुछ मांगे थी वो उन्होंने उनके सामने रखी थी किन, किन के सामने जो मालिक है उनके सामने द राइट टू वोट और जो वोटिंग का अधिकार है उसके बारे में भी उन्हें उन्होंने जो मालिक था उनके सामने ये अपना प्रश्न रखा था वोटिंग का इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एस पी डी एंड हेल्प्ड इटवीन पार्लियामेंट्री सिट और जर्मनी में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उन्होंने हेल्प किया था इस कार्य में मजदूरों के By 1905, socialist and Trade Union, Unionists formed a Labour Party in Britain and the Socialist Party in France. However, till 1940, socialists never succeeded in forming the government in Europe. So socialists should government uh, a government in Europe success success. सक्सीडेड नहीं हुए रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रॉग फिगर्स ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बट दवेंट कंटिन्यूड टू भी रन कंजर तो ये सोशलिस्ट अपना जो यानी काम था वो पूरा कर नहीं सके और जो लिबरल्स रेडिकल्स और कंजरवेटिव थे उन्होंने ही अपना जो अपना जो कार्यभाग था वो अच्छे तरीके से निभाए यानी उनके ही सीट गवर्नमेंट में आते थे यानी उनकी सरकार गवर्नमेंट में होती थी तो आज हम देखेंगे द नेक्स्ट पॉइंट रशियन रिवोल्यूशन द रशियन रिवोल्यूशन यानी रशियन रिवोल्यूशन क्या है रशियन राज्य क्रांति क्या है ये हम इस पॉइंट में देखेंगे इफ वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रलाइज ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वॉज रिजर्व सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द ऑक्टोबर रिवोल्यूशन ऑफ नाइनटीन सेवेंटी तो यूरोप में देखा जाए तो कहाँ पर भी समाजवाद विकसित नहीं हो रहा था मगर रशिया में नाइन्टीन सेवेंटी को सेवनटीन को ये जो <coughs> सोशलिज्म था वो अस्तित्व में आया द फॉल ऑफ मोनार्की इन फेबरवरी नाइनटीन मोनार्की जो राज राज्य पद्धति थी वो नष्ट हो गई 1917 के बाद एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवोल्यूशन और uh, 1917 का जो इवेंट्स था वो रशियन रिवोल्यूशन यानी रशियन राज्य क्रांति के नाम से जाना जाता है हाउ डिड दिस कम आउट कम अबाउट हाउ डिड दिस कम अबाउट ये कैसे घटित हुआ व्हाट वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया वे द रिवल्यूशन आउक क्या कंडीशन थी सामाजिक और आर्थिक रशिया की जिसके कारण ये रिवोल्यूशन हुआ टू आंसर दिस क्वेश्चन लेटस लुक एट रशिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रिवोल्यूशन तो उसके पहले हमने रिवोल्यूशन के पहले के कुछ वर्ष देखेंगे जिसके कारण रशिया में ये रिवोल्यूशन हुआ था तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये सेशन यहाँ पर खत्म करता हूं नमस्कार